मॉली, तुम गलत हो। नहीं सैंडी, तुम गलत हो। चलो चल के बाकी लोगों से पूछते हैं। हाँ चलो चलते हैं। ए सैंडी, मॉली क्या हुआ? आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हाँ, क्या तुम दोनों में झगड़ा हुआ? हाँ बॉबी, बॉबी मुझे बताओ, क्या मसल पावर शक्तिशाली नहीं है? हाँ, मसल पावर शक्तिशाली है। नहीं, दिमागी शक्ति मसल की शक्ति से बढ़कर है। तुम कैसे कह सकते हो कि मसल पावर सबसे बड़ी है? क्योंकि हमारे स्कूल में यह लड़का है जिसके मसल ताकतवर हैं और स्कूल के सभी बच्चे इससे डरते हैं। इसलिए कि वो अपने मसल की ताकत से घुसा लगाकर किसी को भी गिरा सकता है। अब बताओ, क्या मसल पावर शक्तिशाली है? ये सच हो सकता है, पर मैं मॉली की तरफ हूँ। दिमाग की शक्ति मसल की शक्ति से ताकतवर हो सकती आप है। आप लड़कियों को मसल पावर का मतलब पता नहीं। आपको सुपरमैन बैटमैन नहीं पता? हाँ, तुम्हें बहस नहीं करनी चाहिए। मसल पावर सबसे ताकतवर है। मैं नहीं मानती। हाँ, हम नहीं मानती। चलो माया को बुलाते हैं। बच्चों कैसे हो? मौली और सायशा कह रही है कि दिमाग की शक्ति ताकतवर होती है, पर हम सबको लगता है कि मसल पावर सबसे ताकतवर है। माया, अब तुम ही बताओ कि ताकतवर क्या है? देखो बच्चों, ये सवाल उतना आसान नहीं जितना दिखता है। इससे पहले कि मैं जवाब दूं, मैं आपको महासयाना के बारे में बताना चाहती हूं। माया, ये महासयाना कौन है? महासयाना एक छोटा सियार था। वो एक बड़े जंगल में रहता था। जैसे कि ये नाम जताता है, महासयाना मतलब चतुर। वो अपने नाम के जैसा ही बहुत होशियार था। एक दिन वो खाने की तलाश में जंगल में घूम रहा था। कहाँ गायब हो गए हो सारे के सारे छोटे मोटे प्राणी? बाहर आ जाओ, महासयाना को उसका खाना चाहिए। जरा तुम्हारा शिकार तो करूं। है एक छोटा चूहे तक नहीं मिला आज मुझे। अरे ये तो वाकई में बड़ा हाथी है, पर ये जमीन में लेट लेट के क्या कर रहा है? जरा जाके पता लगाता हूँ। प्रणाम हाथी भाई, आप दिन के इस समय में क्यों सो रहे हैं? अरे बाप रे, मुझे अपने किस्मत पे यकीन नहीं होता। ये तो मरा हुआ है। अब मुझे हफ्तों तक शिकार करने की जरूरत नहीं है। अब लंबे समय तक दावत ही दावत सिर्फ मेरे लिए। इस हाथी की चमड़ी इतनी मोटी है कि मेरे दांत इसे काट ही नहीं पा रहे, पर इसके मांस तक कैसे पहुंचूं? महासयाना कुछ करो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। जंगल का राजा, इससे पहले कि वो इस हाथी के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचे, मुझे उसे रोकना है। वो तो राजा है, उसके स्वाभिमान का इस्तेमाल करता हूँ। महासयाना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंगल के राजा की जय हो। देखिए मैंने आपके लिए क्या ढूंढा है, मरा हुआ हाथी। इसे आपको भेंट करने के लिए मैं कब से इसकी रक्षा कर रहा हूँ। कृपया आप इसे स्वीकार करें। ए मोर, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? एक परश्राई, मैं सिर्फ उसी शिकार को खाता हूँ जो मैंने अपने बलशाली हाथों और दांतों से की हो। मैं जानता हूँ महाराज, लेकिन मेरे पास जो कुछ भी आएगा पहले आपको पेश करूँगा, क्योंकि आप इस जंगल के राजा हैं। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा, तुम बहुत अच्छे हो। और चतुर भी, मैं ये जानता हूँ, समझे? ये सब मेरी चाल है, तुम मेरे इशारों पर चल रहे हो, ये तुम कभी नहीं समझ सकते। धन्यवाद मुझे पेश करने के लिए। मैं इसे तुम्हें लौटा देता हूँ ताकि तुम इसका आनंद ले सको।
इसे मेरी तरफ से भेंट कर। क्या बात है, मुझे पता था तुम यही कहोगे, मैं इसी जवाब का इंतजार कर रहा था। धन्यवाद जंगल के राजा। दावत का आनंद। ये तो आसान था, मगर इस मरे हुए हाथी के मांस तक कैसे पहुँचूं? ओह नो, ये वाघ तो बहुत ही भूखा लग रहा है। अरे बाप रे, एक और दावेदार। अब मैं क्या करूं? कुछ करना पड़ेगा, अब तो जल्दी से कुछ सोचना पड़ेगा। कुछ तो सोचना पड़ेगा। हाँ, इसके साथ भी चालाकी करनी होगी, नहीं तो ये मेरा हाथी ले जाएगा और मैं भूखा रह जाऊंगा। अब यहाँ हमारे लिए क्या है? वाघ मामा, आप कृपया यहाँ से भाग जाइए। क्यों? मैं इस बड़े हाथी को तुम्हारे लिए ऐसे ही छोड़ दूँ? मैं पहले इस हाथी को खाऊंगा, हाँ, फिर बचे हुए हिस्से को तुम खा लेना। अगर ये बड़ा सा हाथी मेरा होता तो मैं इसे तुम्हें भेंट स्वरूप दे भी देता, मगर इस हाथी की सिंह के लिए मैं रखवाली कर रहा हूँ जिसने इसकी शिकार की है। सिंह कहाँ है वो? वो नजदीक के तालाब में नहाने गया है और मुझे इसकी रखवाली करने को कहा है जिसकी उसने शिकार की है। और तुम्हें पता है वो वाघों से नफरत करता है। क्यों? एक दिन वाघ ने उसके मारे हुए हाथी को खा लिया था और बचा हिस्सा सिंह को खाना पड़ा था। उस दिन से सिंह वाघ से बेहद नफरत करता है और उसने कसम खाई है कि वो हर उस वाघ को मार डालेगा जो उसके रास्ते में आएगा। धन्यवाद प्रियसी यार, अगर तुम मुझे नहीं बताते तो सिंह मुझे मार देता। कृपा करके सिंह को मत बताना कि तुमने मुझे देखा है। वाघ मामा, अब आपको यहाँ से तुरंत जाना चाहिए, सिंह अब किसी भी वक्त यहाँ आता ही होगा। हाँ, ये मैं गया। देखो तो वो कैसे अपनी दुम दबाकर भाग रहा है। वो सारे शक्तिमान हैं पर दिमाग नहीं है। पर मैं अपनी समस्या को कैसे हल करूं? अहा, चीता, यही है जो मेरी मदद कर सकता है। उसके पास नुकीले दांत है जो हाथी की चमड़ी को आसानी से काट सकते हैं। एक बार उसने मेरी मदद कर दी तो मैं उसे थोड़ा हिस्सा देकर रवाना कर दूंगा। हाँ मेरे प्यारे चीता, कृपया यहाँ आइए। अरे दोस्त, ये क्या है? ये हाथी है। तुम्हें भूख लग रहे हैं मेरे दोस्त? हाँ, मैं भूखा हूँ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और इस हाथी को देखकर तो मेरी भूख और भी बढ़ गई है। मुझे बताओ, तुम इस हाथी को क्यों नहीं खा रहे हो? काश मैं इसे खा पाता, मगर इस हाथी को सिंह ने मारा है और उसने मुझे उसके लौटने तक इसकी रखवाली करने के लिए कहा है। अरे बाप रे, क्या तुमने सिंह कहा? अरे बाप रे, मुझे यहाँ से भागना होगा, नहीं तो मुझे मार डालेगा। रुको, ऐसे भागो मत। तुम चाहो तो टुकड़ा काट के खा सकते हो जब तक वो ना आए। तुम पागल हो गए हो? अगर मैंने इसे हाथ में लगाया तो सिंह मुझे मार देगा, मुझे कोई खतरा नहीं उठाना है। पर मैंने तो सुना था चीते बड़े बहादुर होते हैं। तुमने कहा कि तुम भूखे हो, तुम मेरे चाचा के समान हो। मैं सच में तुम्हें थोड़ा देना चाहता हूँ। मैं सिंह पर नजर रखता हूँ और जैसे ही वो आ जाए मैं चिल्लाऊंगा और तुम भाग जाना। अब तुम इतना जोर दे रहे हो तो थोड़ा खा ही लेता हूँ। तुम मेरे मेहमान हो, सावधान रहना। जैसे ही तुम सिंह को देखोगे मुझे आगाह कर देना। चिंता मत करो, आगे बढ़ो, मैं यहाँ से नजर रखता हूँ। चलो चलो, जो मैं चाहता था वही किया, अब उसे डराने का वक्त आ गया है। भागो भागो, मुझे सिंह आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं इस हाथी को बिना किसी की मदद के पूरा खा सकता हूँ। इतनी जल्दी नहीं मेरे दोस्त, मुझे भी इसमें अपना हिस्सा चाहिए। तुम कहाँ से आ गए और मैं इसे तुम्हारे साथ क्यों बांटूं? भाग जाओ नहीं तो एक घूंसा लगाऊंगा। अच्छा, लड़ना चाहते हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। Oh
स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का समय आया है। हाँ बच्चों, तो ये कहानी सुनकर क्या तुम कह सकते हो कि मसल पावर ताकतवर है या दिमाग की शक्ति? चेकॉल ने अपना दिमाग इस्तेमाल ना किया होता तो बाघ और चीते ने उसका खाना खा लिया होता। और सियार ने भी। बाघ और चीता ज्यादा ताकतवर थे, फिर भी आखिर में छोटे से सियार ने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर उनसे पीछा छुड़ा ही लिया। हम सब जान चुके हैं कि दिमाग की शक्ति मसल की शक्ति से ताकतवर है। तुम क्या कहते हो सैंडी? हाँ, तुम सच कह रहे हो। इस कहानी को सुनने के बाद मैं भी समझ गया कि दिमाग की शक्ति कभी भी मसल की शक्ति से ज्यादा ताकतवर होती है। ये हुई ना बात, तुम सबने अपने आप ही इसका जवाब दे दिया। तो आज हमने क्या सीख ली? तुम चाहे कितने ही बड़े और ताकतवर हो, फिर भी एक छोटे से शक्तिशाली दिमाग को नहीं हरा सकते। बहुत खूब सैंडी। थैंक यू माया। मैं बहुत खुश हूँ बच्चों। अब मेरे जाने का समय आ गया है। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे माया। बाय बाय बच्चों। बाय बाय माया। बाय बाय।